देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर बहेली से है। बहेली यूपी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि बताने गए भाजपा को किसानों ने बहेली विधायक को दिखाए काले झंडे। सरकार के विरोध में जमकर की नारेबाजी। यूपी सरकार की 4.5 साल में विकास कार्य की उपलब्धियां गिना रहे हैं। दरअसल बरेली के बहेली विधानसभा क्षेत्र के विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार बहेली विधानसभा के गांव पिपलिया में जनसभा में यूपी सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे। इसी बीच में भारतीय किसान यूनियन के लोग गांव में पहुंचकर विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार को काले झंडे दिखाए और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। हंगामा की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को गांव के बाहर खदेड़ दिया। भारतीय किसान यूनियन युवा के जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह ने बताया कि 4.5 साल के जब चुनाव करीब आ गए हैं तो विधायक जी हमारे गांव में आए हैं। 4.5 साल में विधायक जी का चेहरा तक नहीं देखा है। हरपाल सिंह ने विधायक छत्रपाल सिंह के ऊपर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। जब बहेली के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने गए थे तो उन्होंने किसानों को शराबी बताया था और कहा कि जो लोग किसान आंदोलन में शामिल होने गए हैं वो पिकनिक मनाने गए और वो लोग किसान है ही नहीं। हम किसान विधायक जी कह रहे हैं कि हमारी समस्या को सुन लो, लेकिन विधायक जी हमारी समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। जब तक विधायक जी हमारी समस्या को सुनेंगे नहीं तब तक हम किसान उनको काले झंडे दिखलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं बहेली बरेली से ब्यूरो शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। जी, आज हमारे जो क्षेत्र के विधायक जी हैं वो आज हमारे इस क्षेत्र में दौरे पे आए हैं। हम किसान यूनियन की तरफ से उनको विरोध करने आए हैं। ये विधायक जी 5 साल बाद आज यहाँ पे आए हैं। 5 साल बाद वो भी अपना जब इलेक्शन का टाइम आया तो अपना वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए आए। हम यूनियन की तरफ से उनको सिर्फ थोड़े 2 क्वेश्चन करने थे, लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं किए जा रहे हैं, उनसे हमें मना किया जा रहा है मिलने के लिए। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब 600-700 किसान शहीद हो गया बॉर्डर पे, उसके लिए व्यक्त नहीं किया है, बल्कि एक इंटरव्यू उन्होंने बोला था कि जो गाजीपुर बॉर्डर में बैठे वो फर्जी किया जाते हैं। अगर वो फर्जी किसान है तो हम तो घर पे बैठे हैं, हम तो असली किसान है, हमसे वार्तालाप कर लीजिए। अगर वो नकली है तो मतलब हमसे 2 शब्द बोल लीजिए। विधायक जी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया था? विधायक जी की एक वीडियो क्लिप है मेरे पास जिसमें ये कह रहे हैं कि जितने गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हैं वो फर्जी किसान हैं, असली किसान तो अपने घर पे काम कर रहा है, वो जहाँ बैठे वो दारू पीने वाले हैं और वो ऐश हैं। हम ऐश कर रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं चलो वो गए तो हम तो अपने घर से उठ के आए, हमसे आके बात कर ले। अगर वो फर्जी, हम तो असली है, घर से बैठे तो हमसे ही बात कर ले। लेकिन विधायक जी अपने अपने वोट बैंक के चक्कर में बात भी नहीं करना चाहते हमसे। प्रशासन हमें जाने नहीं दे रहा आगे। हम यहाँ से खड़े होके जब तक जहाँ जहाँ इनका कार्यक्रम होगा हम खुल के इनका विरोध करेंगे। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर।